गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सिक्स के सभी बच्चे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालिए। इसमें आपका चैप्टर चल रहा था 7 प्रत्यय। चैप्टर 7 निकालिए, प्रत्यय। इसकी रीडिंग कल लगवा दी थी आपको। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चैप्टर 7 की एक्सरसाइज देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना कीजिए। इसमें मीठा है तो उचित प्रत्यय कोई भी लगाइए, ई लगाइए, तो बन गया हमारा एक नया शब्द मिठाई। ठीक है, अब घिस है जैसे, तो इसमें अगर हम आवट लगा देंगे तो एक नया शब्द बन जाएगा, घिसावट। ठीक है, अब है झूल, तो इसमें हम आ प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा बन जाएगा झूला। रंग, अब ईला प्रत्यय लगाने पर रंग में हमारा नया शब्द बना रंगीला। ठीक है, शास्त्र, इसमें ई प्रत्यय लगा दिया हमने तो बन गया शास्त्री। पूजा, पूजा में हम कौन सा ऐसा प्रत्यय लगाएंगे जिसमें हमारा एक नया शब्द बन जाए, पुजारी। री प्रत्यय लगाने पर बन जाएगा हमारा पुजारी। गिरी, गिर में हम आवट प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा गिरावट। गिरावट। दुख, दुख में हमने अगर हम या भी लगा सकते हैं, दुखिया हो जाएगा, या दुखी, ई प्रत्यय लगाने पर हो जाएगा दुखी। ठीक है, अब लाचार, लाचारी, ई प्रत्यय लगा दीजिए तो बन जाएगा हमारा लाचारी। सुंदर में ता प्रत्यय लगाने पर बनेगा हमारा सुंदरता, सुंदरता। सख्त में ई प्रत्यय लगाने पर बनेगा सख्ती। शाकाहार है, शाकाहार में ई प्रत्यय लगाने पर बनेगा शाकाहारी। चाचा, इसमें भी ई प्रत्यय जोड़ने पर बन जाएगा चाची। दया में आलू प्रत्यय जोड़ने पर बनेगा दयालु। पढ़ाई, आई प्रत्यय लगाने पर पढ़ में बनेगा पढ़ाई। बंगाल में ई प्रत्यय लगाने पर बनेगा हमारा बंगाली। इस तरह से ये आपको उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्दों की रचना करनी है। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से मूल शब्द व प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं आपको। मूल शब्द अनुकरण है, जैसे ये सॉरी अनुकरणीय में मूल शब्द है हमारा अनुकरण, तो और हमारा ये हो गया प्रत्यय, इन दोनों को मिलाकर तभी बना हमारा अनुकरणीय। ईर्ष्यालु, ईर्ष्या हमारा मूल शब्द हुआ, आलू हमारा हुआ प्रत्यय। शर्म, नाक, शर्म, नाक में पहले शर्म मूल शब्द आग हमारा हो गया, नाक हो गया हमारा प्रत्यय। कश्मीरी, कश्मीर में हमने ई प्रत्यय, ई हो गया हमारा प्रत्यय और कश्मीर हो गया हमारा मूल शब्द। घनत्व, घन अगर घन हुआ हमारा मूल शब्द, प्रत्यय हुआ त्व। सजावट, सज मूल शब्द, आवट हो गया हमारा प्रत्यय। अब 4 क्वेश्चन देखिए, इसका सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। फर्स्ट केस का मूल शब्द के अंत में जुड़ा शब्दांश कहलाता है प्रत्यय,
उपसर्ग, शब्द या भाषा। क्या कहलाता है जो मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो कहलाता है हमारा प्रत्यय। क्रिया के धातु रूप के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय संज्ञा या विशेषण बनाते हैं वे कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय, उपसर्ग, तद्धित उपसर्ग, कृत प्रत्यय। तो वे हमारे होते हैं कृत प्रत्यय। अब है लिखावट में प्रत्यय है लेख, आवट, अवट या आवट। तो इसमें है लिखावट, आवट प्रत्यय। लिखावट में हमारा आवट प्रत्यय। अब आता है स्वर, मूल शब्द में प्रत्यय लगेगा, क्या लगेगा? य, ई, एरा, इत। अगर हम एरा लगा देंगे स्वर्गेरा गलत हो जाएगा, स्वर्गी ये भी गलत है, स्वर्ग इत ये भी गलत है। तो इसमें हमारा सही भरा जाएगा य, यानी स्वर किय। ठीक है, ये आपका चैप्टर 7 कंप्लीट हो चुका है प्रत्यय का। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में वर्क कंप्लीट कीजिए। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।